हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ ए टू स्ट्रोक डीजल इंजन। डीजल इंजन काम कैसे करता है और ये हमारे डीजल इंजन के हम सबसे पहले डिस्कशन के लिए इसके कुछ पार्टों को देख लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। तो ये हमारे जो डीजल इंजन में ये तीन पोर्ट होते हैं, ये इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसपोर्ट पोर्ट। इनलेट पोर्ट में अगर हम डीजल इंजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ से सिर्फ एयर एंटर करती है, और यदि हम पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो यहाँ से एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर, मतलब एयर प्लस पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है वो एंटर करता है। लेकिन हम यहाँ पर डीजल इंजन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो सिर्फ एयर ही एंटर करती है, और एग्जॉस्ट पोर्ट से जो हमारी कम्बस्ट एयर होती है वो यहाँ से बाहर निकलती है। ये हमारा थर्ड पोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट पोर्ट। इस ट्रांसपोर्ट पोर्ट का क्या काम होता है, जो हमारी क्रैंक केस में जो पार्शली कंप्रेस चार्ज होता है और एयर होती है वो हमारी ट्रांसपोर्ट पोर्ट से होते हुए हमारे अपर पोर्शन तक पहुंचती है, जहां पे ये फर्दर कंप्रेस होती है और इग्नेट होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा ये दिस इज पिस्टन, जो हमारा अप एंड डाउन मोशन करता है, हमारा रेसिप्रोकेट करता है। दिस इज द कूलिंग फिन, जो हमारे सिलेंडर को कूल करने का काम करती है। TDC एंड BDC, दिस आर द टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। ये इन टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर के बीच में हमारा जो पिस्टन होता है रेसिप्रोकेट करता है, और हम इनके डिस्टेंस का और बाय द पिस्टन बिटवीन द TDC एंड BDC इज कॉल्ड स्ट्रोक। हम इसको स्ट्रोक भी बोलते हैं, और इसे टू स्ट्रोक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा ये इंजन है ये टू स्ट्रोक में हमारी थर्मोडायनेमिक साइकिल कंप्लीट कर देता है। तो हम ये हमारी क्रैंक केस है जिसके अंदर हमारी क्रैंक रोटेट करती है। ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर है जो हमें जो फ्यूल को इंजेक्ट कराने का काम करता है। अब नाउ फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं इसका वर्किंग कि हमारा जो ये इंजन है ये वो कैसे करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पिस्टन होता है वो होता है बॉटम डेड सेंटर पर, बॉटम डेड सेंटर पोजिशन पर। तो हम देख सकते हैं कि जो बॉटम डेड सेंटर पोजीशन पर जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट है वो ओपन होता है, जिससे कि हमारी जो कम्बस्ट एयर है वो बाहर निकलने लगती है, और हमारा जो इनलेट पोर्ट है वो होता है वो क्लोज होता है, जिससे कि हमारा जो इनलेट चार्ज है या एयर है वो एंटर नहीं कर रही होती। और इसी दौरान जब हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है एट BDC पर, बॉटम डेड सेंटर में, हमारा ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन होता है, जिससे कि जो हमारा यहाँ पर पार्शली कंप्रेस एयर है वो ऊपर की तरफ फिलअप होना स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं, थोड़ी देर के लिए हम सोच लेते हैं कि हमारे ये डिफ्लेक्टर नहीं प्रोवाइड किया गया है पिस्टन पे, तो उससे होता क्या है कि हमारी जो फ्रेश चार्ज आता है, फ्रेश एयर आती है, वो डायरेक्ट एक एग्जॉस्ट पोर्ट से वो बाहर निकलने लग जाती है, क्योंकि एक ही टाइम पर दोनों ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होते हैं। तो इसी को रोकने के लिए हम एक प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। ये प्रोजेक्शन होती है जिसे हम डिफ्लेक्टर कहते हैं, और इसे हम पिस्टन का क्राउन भी कहते हैं। तो इससे होता क्या है, जैसे ही हमारी एयर एंटर करती है अपर पोर्शन पे, तो ये इस डिफ्लेक्टर की सहायता से ऊपर की तरफ हिट करती है, जिससे ये डायरेक्ट बाहर की तरफ नहीं जाती, और इससे हमें जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसको पुश करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि जैसे ये हमारी ऊपर की तरफ हिट करेगी तो ये हमारी जो बाहर एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनको पुश करते हुए बाहर निकाल देगी। तो फ्रेंड, जैसे ही हमारा पिस्टन BDC से TDC की तरफ स्टार्ट करता है मूव करना, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, तो लगभग जब हमारे 30% स्ट्रोक कंप्लीट हो चुका होता है तो हमारा जो इनलेट पोर्ट है वो ओपन हो जाता है, जिससे कि हमारी इनलेट एयर एंटर करना स्टार्ट कर देती है, और जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट भी बंद हो चुके होते हैं। तो इससे क्या, जैसे ही हमारा पिस्टन मूव करता है ऊपर की तरफ, तो हमारी जो एयर प्रेजेंट होती है वो कंप्रेस होनी स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा कि जब हम डीजल इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एयर ही एंटर होती है, तो जैसे ही हमारी एयर कंप्रेस होना स्टार्ट कर देती है तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर TDC तक पहुंचता है तो हमारे फ्यूल इंजेक्टर का क्या काम होता है कि वो फ्यूल को एक हाई प्रेशर पे इंजेक्ट कराना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि हमारा जो फ्यूल है हमारे एयर के कॉन्टेक्ट में आता है विद ए वेरी हाई प्रेशर, और इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही इग्निशन स्टार्ट होता है तो हमारे इस कंबसन चैम्बर के अंदर एक हाई प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि वो पिस्टन को नीचे की तरफ मूव कराता है, और जैसे ही पिस्टन TDC से BDC की तरफ चलता है विद ए वेरी हाई प्रेशर, तो हम इस
स्ट्रोक को बोलते हैं पावर स्ट्रोक और एक्सपेंशन स्ट्रोक। और फ्रेंड्स इसी स्ट्रोक में हमें हमारी आउटपुट मिलती है, क्योंकि जब हम कंप्रेस करते हैं तो हमें इनपुट प्रोवाइड कराना पड़ता है, वो हमारे फ्लाईव्हील मैकेनिज्म से ये कनेक्टेड होता है जिससे कि हम इनपुट प्रोवाइड करवा पाते हैं। तो फ्रेंड्स हम अब हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जा रहा होता है, तो ये जैसे ही हमारा 70% कवर करता है हमारा पिस्टन, तो हमारा जो इनलेट पोर्ट होता है वो क्लोज हो जाता है। और उससे क्या होता है कि जो हमारा चार्ज होता है ये पार्शली कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा ट्रांसफर पोर्ट भी अभी क्लोज है और हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट भी क्लोज है, लेकिन और इनलेट पोर्ट भी क्लोज हो चुका है। और जो हमारा यहाँ चार्ज है ये पिस्टन के डाउनवर्ड मूवमेंट के कारण कंप्रेस होने लगता है। तो जैसे ही हमारा पिस्टन 90% कवर कर लेता है हमारे स्ट्रोक को, तो हमारे एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाता है जिससे कि हमारी कंबस्ट एयर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही हमारा पिस्टन बीडीसी पर पहुंचता है तो बॉटम डेड सेंटर पर, तो हमारा ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन हो जाता है जिससे कि हमारी सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है कि जो हमारी पार्शली कंप्रेस चार्ज एयर है वो एंटर करना स्टार्ट कर देती है ऊपर वाले पोर्शन में, जिससे कि हमारा साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमने लगभग देख लिया कि हमारा जो टू स्ट्रोक में पहला स्ट्रोक कंप्रेशन का और सेकंड स्ट्रोक एक्सपेंशन का, इन दो स्ट्रोक से हमारी थर्मोडायनेमिक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसके बाद ये रिपीट होने लगता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा।